बड़वानी जिला अस्पताल में बरसों से संचालित हो रहा ब्लड बैंक अपनी कायाकल्प होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता व इच्छा शक्ति की कमी के चलते इस दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ पाए हैं। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी न तो पर्याप्त जमीन उपलब्ध करा पाए हैं और न ही इस दिशा में आगे बढ़ पाए हैं, जिससे ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का काम अटका पड़ा है। कंपोनेंट जाएगा तो अपने ब्लड का कलेक्शन जितना भी होता है उससे अपन अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट को दे पाएंगे। और मेडिकल टर्म में जैसा आप बोलते हैं कि मिसयूज़ ऑफ ड्रग वो नहीं होना चाहिए, तो जिसको अपने को प्लाज्मा देने की ज़रूरत नहीं है, जिसको सिर्फ हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए या ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए वो स्पेसिफिक कंपोनेंट स्पेसिफिक कंडीशन में देंगे तो मरीजों को ज़्यादा बेहतर फायदा होगा। सर, यूनिट बनने के लिए कोई प्रस्ताव वगैरह दिया? यूनिट बनने के लिए अक्टूबर महीने में हमने सिविल सर्जन ने कलेक्टर साहब को भी इसकी कॉपी दी थी और डायरेक्टर हेल्थ को भी हमने 1,10,00,000 रुपए का प्रपोजल भेजा है। बेसिकली अभी हमारे पास ब्लड बैंक का खुद का कोई बिल्डिंग नहीं है। ओपीडी के एक्सटेंशन रूम्स में काफ़ी लंबे समय से शुरू से ही ब्लड बैंक यूनिट चल रही है, लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन करने के लिए कंपोनेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए हमने प्रस्ताव मैडम ने भिजवाया है। जो पुराना सिविल सर्जन कार्यालय है वो डिसमेंटल होने के लिए तैयार है, वो हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि राइट ऑफ हो गई बिल्डिंग। और वहीं पर प्रपोजल भेजा है 1,10,00,000 रुपए का, अगर बन जाएगा तो आगामी 25-30 सालों के सुविधा के दृष्टिकोण से नया मॉडर्न ब्लड बैंक बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जगह कितनी बड़ी है सर वहाँ पर? वहाँ पर करीब जगह तो करीब 150 फीट चौड़ा उसका फ्रंट है और करीब इतना ही लंबा चौड़ा होगा, तो पर्याप्त स्थान है। अपन उसमें आगे भविष्य के नज़रिए से भी अगर कुछ प्लानिंग सोचें तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भी अपन प्लानिंग कर सकते हैं। उसी प्लानिंग के तहत उसमें काफ़ी अच्छा प्रपोजल बना के इंजीनियर के थ्रू भिजवाया है। तो पैथोलॉजिस्ट भी नहीं? हाँ, पैथोलॉजिस्ट बड़वानी में डॉक्टर मोहन गुप्ता साहब के बाद से कोई नहीं है, तो पैथोलॉजी विभाग भी है अपने यहाँ पर काफ़ी बड़ा, जिला काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं अपने हॉस्पिटल में। ब्लड बैंक में मैं अकेला हूँ, अगर पैथोलॉजिस्ट एक कहीं से शासन स्तर पे व्यवस्था हो जाए तो पैथोलॉजी विभाग का भी बहुत अच्छे से उन्नयन हो जाएगा और ब्लड बैंक में भी हमको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा तो हम बेहतर काम कर पाएंगे। सर, प्रतिदिन कितनी यूनिट खपत होती है? सर, प्रतिदिन ऑन एन एवरेज अभी सीज़न इस सीज़न में 30-35 यूनिट है, मैक्सिमम कभी कभी हम लोग 50 यूनिट तक का हमको सप्लाई होता है हमारे यहाँ। सर,